वेलकम बैक टू माई अदर ब्लॉग। और हम अभी खेत जोताई कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो देख सकते हो ट्रैक्टर चल रहा है, खेत जोताई हो रहा है। अभी शाम हो गया है और इसमें गेहूं डालना है। ये देखो, बारिश के वजह से गेहूं डालने का नहीं बन रहा था क्योंकि खेत ज़्यादा गीला था इस वजह से, और अभी खेत सूख गया है, देख सकते हो। अभी जोताई करने के लिए फ्रेंड्स ये खेत बच गया है, और इसके बाद उस पर वाला और दो खेत, मतलब तीन खेत और बचे जोताई करने के लिए। और इधर बाकी सब तो जोता गया है, देख सकते हो वो भी जोता गया है, ये भी इधर का वो बचा है, और उधर का वो तीनों खेत तो जोता गया है, लेकिन उसमें दो टोक में चना डाले हैं और एक खाली है, तो उसमें भी गेहूँ डालना है। देखो भाई कितना मस्त से जोताई हो रहा है, पैरा को जला दिए हम लोग। देख सकते हो गाइस, आपको हमने कितना डीप से दिखा दिया कि जोताई कैसे हो रहा है। और अभी खेत जोताई करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद गेहूं छींटेंगे। ये खरिया पूरा जोता गया है, उधर आधा खेत मतलब जोता गया और आधा खेत इधर अभी बचा है, इसको भी जोताई करते हैं, उसके बाद दिखाएंगे। तो आप ब्लॉग में बने रहिए फ्रेंड्स। ये देखो गाइस, ये खेत जोताई हो गया है और अब इसमें गेहूँ छींट रहे हैं। ये गेहूँ छिटा रहा है, ये देखो। और अभी गेहूँ को दिखाते हैं उनको कैसा है। ये देखो बड़ा बड़ा दाना का है, मस्त। देखो गाइस, नाइट हो गया है और अभी DAP छिटा रहा है। गेहूं तो छिटा गया सभी खेत पे, ये देख सकते हो। खैर नाइट हो गया है, अभी दिखेगा नहीं गेहूं आपको। ये देखो, ये रहा गेहूं और ये रहा DAP। अब एक एक बार सभी खेत में ट्रैक्टर को चलाना का काम बचा है। ये देखो गाइस, और कोपर मारने का काम चल रहा है। धान और धान बोलता हूँ, गेहूँ और DAP तो छिटा गया। अब एक एक बार सभी खेत में ट्रैक्टर को चलाएंगे, फिर हो गया। लेकिन अभी तो सिर्फ यही खेत जोता पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अंधेला हो गया है, ये देख सकते हो। यही खेत बस में चलाएंगे, फिर हो गया, घर जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे आके फिर जोताई करेंगे।